तो फ्रेंड्स आज की वैकेंसी निकल के आ रही है सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर्स वालों के लिए IHB में, जो कि जॉइंट वेंचर है इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम का। तो बड़ी कंपनी है, आपकी अगर सिलेक्शन यहाँ पे होती है तो आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यहाँ पे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, डायरेक्ट सिलेक्शन है, यानी कि कोई भी रिटर्न एग्जाम कुछ नहीं होने वाला है, आपका यहाँ पे इंटरव्यू के बेसिस पे ही यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी एग्जाम नहीं होगा और कोई एप्लीकेशन फीस भी यहाँ पे रखा नहीं गया है इसको अप्लाई करने के लिए। बस कुछ सेकंड ही आपको लगेंगे इसको अप्लाई करने के लिए। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, बाकी के जो भी डिटेल्स है उसको आप चेक कर लीजिए, अगर आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हो तो अप्लाई इसको जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने पे आपकी जो सैलरी रहने वाली है, यानी कि CTC जो कॉस्ट टू कंपनी है, वो सालाना आपकी 7 लाख रहने वाली है मिनिमम जो है, अदर पोस्ट के लिए और भी ज्यादा है। तो बहुत अच्छा मौका है आप लोग के लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अप्लाई करने के लिए कहाँ से कैसे अप्लाई करना है ये सब मैं आप लोग को दिखा दूंगा इस वीडियो में, इसके लिए आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूं, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि एवरीडे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगी। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पे पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूं, और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो ये है IHB का ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हो आपको यहाँ पे करियर्स लिखा हुआ मिल जाता है, इसी पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करना है। जैसे आप व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करते हो आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोग को दिखा सकूं मैं अच्छी तरीके से। तो ये रिक्रूटमेंट निकाला गया है IHB लिमिटेड में, जो कि एक इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम का ज्वाइंट वेंचर है, और यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई है इंजीनियर के लिए, सीनियर इंजीनियर के लिए और डिप्टी मैनेजर के लिए। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सभी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर ले, तो इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने का जो लास्ट डेट रखा गया है वो है आपका 14 सितंबर 2021। अब चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पोस्ट सब के बारे में। तो यहाँ पे देख लो पोजिशन 3 है, डिप्टी मैनेजर, सीनियर इंजीनियर और इंजीनियर। डिप्टी मैनेजर में मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले, टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले यहाँ पे एलिजिबल है। वैकेंसी आप उसकी बगल में आप देख सकते हो, मैकेनिकल के लिए 3 है, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 है, टेलीकम्युनिकेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 3 है, ठीक है। सीनियर इंजीनियर वालों के लिए यहाँ पे मैकेनिकल और टेलीकम्युनिकेशन में वैकेंसी निकल के आ रही है 9 और 4 करके। अब बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियर में, तो यहाँ पे देख लो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में यहाँ पे वैकेंसी निकल के आ रही है। मैकेनिकल वालों के लिए 3 है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 6, सिविल वालों के लिए 6 और टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के लिए 4। इस तरीके से सब मिलाकर यहाँ पे 39 वैकेंसी निकल के आ रही है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपकी यहाँ पे 4 इयर्स की फुल टाइम BE, BTEC, BSc होनी चाहिए, यानी कि आपकी रेगुलर डिग्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन में। पार्ट टाइम कॉरेस्पॉन्डेंट से हो तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए, फुल टाइम आपका होना चाहिए और मिनिमम मार्क्स आपका 60% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट, यानी कि सभी ईयर्स को मिलाकर। तो ये हो गई पोजीशन, डिसिप्लिन, वैकेंसीज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे एज लिमिट की, तो देख लो यहाँ पे एज लिमिट के लिए जो यहाँ पे कट ऑफ डेट रखा गया है वो है आपका 1 अगस्त 2021। और डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपकी मैक्सिमम एज यहाँ पे 40 इयर्स होनी चाहिए, सीनियर इंजीनियर के लिए 35 इयर्स होनी चाहिए, इंजीनियर के लिए यहाँ पे 30 इयर्स होनी चाहिए। कुछ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से सभी यहाँ पे एलिजिबल है, ये साफ साफ पेपर मेंशन किया गया है। अब हम लोग यहाँ पे एक्सपीरियंस क्राइटेरिया की बात कर ले यहाँ पे, तो DY मैनेजर के लिए यहाँ पे मिनिमम 7 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया गया है, तो इसको लेकर हम लोग बात यहाँ पे नहीं करेंगे। सीनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए यहाँ पे एजेंशियल जो रखा गया है वो है आपका यहाँ पे मिनिमम 5 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो 5 साल का अगर आपका प्रोजेक्ट में एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। और इंजीनियर पोस्ट जहाँ पे मिनिमम 3 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस मांग लिया गया है आपको, अगर उस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सभी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन वाले सभी का अगर आप इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे होना चाहिए। और यहाँ पे एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे जो भी कट
कटऑफ डेट रखा गया है वो है आपका 1 अगस्त 2021, यानी कि आपकी एज जो है वो चेक की जाएगी इसी डेट पे, आपकी वो मैक्सिमम है कि नहीं, और जो एक्सपीरियंस है वो मिनिमम एक्सपीरियंस आपका इसी डेट पे चेक किया जाएगा कि आपका वो एक्सपीरियंस है कि नहीं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन है वो आपके पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके पहले रेलिवेंट एक्सपीरियंस चेक की जाएगी और उसके बाद आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कॉल किया जाएगा और उसी के बेसिस पे यहाँ पे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे नेचर एंड पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक साल के लिए यहाँ पे प्रोविजन पीरियड पे रखा जाएगा, उसके बाद उसको आगे बढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सैलरी की बात कर ले तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सीटीसी के हिसाब से दिया है, यानी कि कॉस्ट टू कंपनी, आपका एक साल में कंपनी आपको कितनी रुपए की बेनिफिट यहाँ पे देने वाली है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। डिप्टी मैनेजर के लिए यहाँ पे 11 लाख पर एनम का यहाँ पे जो सीटीसी रखा गया है आप लोग के लिए, सीनियर इंजीनियर वालों के लिए 9 लाख का रखा गया है और इंजीनियर पोस्ट के लिए यहाँ पे 7 लाख का रखा गया है। तो सीटीसी जो है वो बहुत ही अच्छी है, आपकी सिलेक्शन होती है तो आपके करियर के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। बात करते हैं कि आपको यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई करने का प्रोसेस मैं अभी इस वीडियो के लास्ट में आपको दिखा दूंगा कि कहाँ से अप्लाई करना है। वैसे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ही अप्लाई करना है, तो वीडियो के एंड में मैं आपको दिखा दूंगा। ये वो सब डॉक्यूमेंट्स है जो आपको तैयार करके रखने होंगे, जब आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है तो ये सब आपको वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। इंटरव्यू का वेन्यू और टाइम जो है वो आपको आगे चल के शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को बता दिए जाएंगे, और यहाँ पे इस एप्लीकेशन को भरने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं की जा रही है, ये भी यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया है। तो आई होप मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा चीज कवर कर दिया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको यहाँ पे अप्लाई कहाँ से करना है। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सबसे पहले जाना है, IHBL के ऑफिशियल वेबसाइट पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। करियर में आपको जाना है, यहाँ पे करियर में जैसे जाते हो यहाँ पे सारा रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकल के आ जा रहा है। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके बगल में ही क्लिक हेयर टू अप्लाई लिखा हुआ है। जैसे आप देख लो यहाँ पे इंजीनियर सिविल के लिए, तो यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये आ जाएगा, यहाँ पे अप्लाई फिर से आप क्लिक कर दीजिएगा। करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर करके आप वहां से ईमेल आईडी और पासवर्ड ले लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे लॉग इन करके इसको इजिली यहाँ पे अपलोड करके अपने सारे डिटेल्स को आप यहाँ पे इसको फॉर्मेट को सबमिट कर दीजिएगा, आपका यहाँ से अप्लाई हो जाएगा। अभी दिक्कत है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग को हेल्प कर दूंगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरों की हेल्प हो जाएगी, कहीं ना कहीं मेरी भी हेल्प होगी। और अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एवरीडे इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, इससे क्या होगा कि एवरीडे नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेंगी। और मुझे मेरे चैनल टेलीग्राम पे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिजी होने के कारण इस चैनल पर डे एक ही वीडियो ला पाता हूँ, और बाकी के जितने भी रिक्रूटमेंट रहते हैं या इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन रहते हैं या सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कुछ भी रहा इंटरव्यू के कुछ भी, वो सारे मैं टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग के लिए शेयर कर देता हूं। तो वहां पे आप लोग मुझसे जुड़े जरूर रहिएगा। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा तो आपको लिंक मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम से आपको जुड़ने का, तो वहां पे मुझे आप फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो फिर कुछ लेके आऊंगा आप लोग के लिए। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।